वहाँ पे 27% हमारे ओबीसी को दर्जा प्राप्त है रिजर्वेशन का। तो वही हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी माने प्रधानमंत्री जी से मिलके, हमारे माने अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, इनको साथ लेके प्रधानमंत्री जी इस इशू के बारे हम मिलें कि वो हमारा अपना जितना जम्मू कश्मीर का भी 27% हमें रिजर्वेशन मिले। बैठक जो रखी है हमने ये रखा है कि जो यूटीज हैं और 27% रिजर्वेशन है, वही हम चाहते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी के निवेदन पे कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख से 12 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए। जस्टिस रोनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जम्मू कश्मीर लागू होनी चाहिए। उसके बाद जाति जनगणना जो होनी है वो जम्मू कश्मीर में लागू होनी चाहिए। और अदर्स जो कई चीज़ें मान की है, NCBC कमीशन है, वो तो PM साहब को थैंक्स कर रहे हैं, हम 370 पे भी थैंक्स कर रहे हैं, 351A में भी थैंक्स कर रहे हैं। बाकी सब लोग भारतीय जनता पार्टी का एक ही विषय है, खासकर ओबीसी मोर्चा का, कि ओबीसी समाज का जम्मू कश्मीर में कल्याण हो, उनका ही भला हो। 9 तारीख को हमारी PM साहब के साथ बैठक थी, लेकिन क्या है कि उस दिन डिसीजन आना था अयोध्या मंदिर को लेकर, मीटिंग हमारी स्थगित हो गई। दोबारा जल्दी ही मीटिंग तय होने जा रही है। और अदर्स इशू जो भी और भी जम्मू कश्मीर के हैं ओबीसी क्लास को लेकर, हम अध्यक्ष डिस्कस करके हमारे PM साहब के सामने वो रखेंगे, माने अमित शाह जी के सामने रखेंगे।